कॉमन नेम ऑफ इपॉक्साइड, इपॉक्साइड का कॉमन नेम क्या है? पढ़िए, ऑक्सीजन। तो इपॉक्साइड का फर्स्ट मेंबर तो ये होता है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन। इस पूरे यूनिट को, इस पूरे को क्या बोलेंगे? ऑक्सीजन। बाकी जो भी लगा रहेगा उसके इसके रेस्पेक्ट में डिराइव करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? आईयूपीएसी नेम है 1,1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। आईयूपीएसी नेम भाई, नॉट कॉमन नेम, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। कल के क्लास में सिखाए थे, बट इसका कॉमन नेम लिखने के लिए बोलेंगे तो इस पूरा पार्ट सर्कल तो हो गया ऑक्सीजन, और बाहर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो इसको पढ़ेंगे मिथॉक्सी ऑक्सीजन। क्या पढ़ना है? बट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए एक कन्वेंशन है। इसका जनरली कॉमन नेम में हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं, बट कहीं कहीं पे कॉमन नेम में नंबरिंग करना पड़ता है। तो ऑक्सीजन में कन्वेंशन है कि इसका नंबरिंग ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। कॉमन नेम लिखने के लिए भी नंबरिंग करना पड़ता है इसमें। और कहाँ से स्टार्ट करते हैं? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से स्टार्ट करके इस पूरे रिंग का काउंटिंग करना है, और रिंग में इस तरीके से मूव करना है। दैट्स वाई सब्स्टिट्यूशन विल गेट लोअर पॉसिबल नंबर, मतलब आरएफपीडी मींस व्हाट। तो अगर ऐसे घूमते, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से करना है? ऑक्सीजन से। लिख लीजिए नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन, नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम ऑक्सीजन। अब यहाँ देखिए, क्लॉकवाइज जाते हैं तो ये आपका मिथाइल कितना पे है? 2 पे। और एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो 1,2,3 पे। तो किसको सेलेक्ट करेंगे? 2 को। 1,2,3, तब इसका कॉमन नाम लिखना है, बोलिए, 2-methyl ऑक्सीजन। यहाँ देखिए, करेक्ट। तो इसका कॉमन नेम, अब हाउ मेनी सब्स्टिट्यूएंट? 2 हो गया, राइट। कौन कौन सा? इथाइल भी और मिथाइल भी। इथाइल एंड, देखिए स्टूडेंट, जिनका जो भी न्यू स्टूडेंट का मैं इंट्रोडक्शन क्लास लिया था, मेरा अभी तक टाइम नहीं लगा। कल मेरा ग्रुप तो बन गया है, बट शायद आपको ऐड नहीं कर पाया हूँ। आपको ऐड किए हैं? नहीं किए हैं। और सबको ऐड कर दिए हैं? आप लोग ऐड हुए हैं नहीं हुए हैं? ग्रुप बनाए थे ड्रॉपर बैच मेकअप, ड्रॉपर मेकअप ग्रुप नहीं हुआ है?
सबका कुछ ना कुछ कोटेशन लिखा हुआ है, बट पढ़ूंगा नहीं। चलिए एक मैं हाई, कल ही उसमें प्लेलिस्ट फाइल शेयर किया गया है, मिला है? मैं हाय नहीं, हेलो एवरीवन कर देता हूँ। एक बार देखिए तो मिला है व्हाट्सएप, जिनका भी इंट्रोडक्शन लिया था आपको नहीं मिलेगा, जिनको ऐड नहीं किया उनको तो नहीं मिलेगा, बाकी को मिला है? आप देख लीजिए, नहीं आया है। जिनको भी नहीं आया है वो मुझे अपना हाई करके मैसेज कर दीजिए, कर दीजिए अभी भाई, मुझे याद नहीं रहेगा, आज ही मैं क्लास से निकल के ऐड करूँगा। और दोबारा मैं इसमें सारा प्लेलिस्ट फाइल शेयर करूँगा। एनीवे, आज शाम का क्लास में क्या क्या है आपका? बॉटनी आर, ओके ओके, जूलॉजी बॉटनी एंड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का क्लास बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, टुडे इज द फर्स्ट क्लास ऑफ गैसियस स्टेट, और वहाँ पे मैं बहुत सारा ग्राफ एक साथ ड्रॉ करना स्टार्ट करूँगा, बॉयस लॉग वगैरह का, ठीक है? और आपका किया हुआ था आप वहाँ से डू द रिविजन, बट बाकी लोग अपना आप क्लास अटेंड कीजिएगा, ईच एंड एवरी क्लास। एक्स्ट्रा कॉपी एक बना लीजिएगा पतली सी गैसियस स्टेट का, ठीक है? आप खाली आके बैठिए ना क्लास में, अभी पहले हैबिट डालिए। अरे ये लोग बाकी लोग हैं ना, वो आपके सीनियर हैं, ऐसा नहीं कि क्या हैं कैसे हैं, इन लोग से सीखिए, कुछ एक्सपीरियंस लीजिए। सीनियर बहुत हेल्प करते हैं, कम से कम कोई भी सीनियर आपको मिसगाइड नहीं करेगा, ये तो पक्का बोलेंगे ये लोग कि पढ़ना पड़ेगा। क्या बोलते, नहीं पढ़ना पड़ेगा? इनको थोड़ा गाइड करते रहिएगा। लेट से आए हैं, सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गया था, अब उसे थोड़ा टाइम लगेगा। आज से 20 साल पहले वाला है क्या पैटर्न कि बोर्ड, जैसे हम लोग क्या कहते हैं, पेरेंट्स भी कंपेयर करने, हम लोग के टाइम पे तो ऐसा था वैसा था। भाई बच्चा को आज के टाइम में कॉम्पिटिशन टफ हो गया, आपके टाइम पे कॉम्पिटिशन था ही नहीं। समटाइम्स तो कुछ ऐसा, आज से 30 ईयर्स पहले ऐसा या 40 ईयर्स पहले बोर्ड के डिग्री के रिजल्ट पर जॉब लग जाता था, आज ऐसा है नहीं है। आज कोई बच्चा बोर्ड का एग्ज़ाम देते हुए, अगर बोर्ड का एग्ज़ाम देते हुए अगर एग्ज़ाम निकाल रहा है या वन ड्रॉप दे के दे रहा है, इतना क्राउड है उसमें एक सीट ले रहा है, वो तो बहुत फाइट कर रहा है भाई, तो थोड़ा फाइट नहीं कर रहा है। प्लस आज के डेट में बहुत कंपेरिजन है ना, प्लस सोशल मीडिया इतना हो गया कि आधा बच्चा तो उसी में मिसगाइड हो रहा है, सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, चीज़ों को हाइप कर दिया जा रहा है, ग्राउंड लेवल पर काम हो या ना हो बट बात बड़ा बड़ा हो रहा है। तो बहुत होता है ना कि हाँ, जैसे कुछ मार्केट में बच्चे रहते हैं ना, माहौल बना के रखते हैं, पढ़ेंगे नहीं लेकिन 10 बुक आपका कोई बुक पूछे ना, उनको 10 बुक का नाम बताएंगे, एक भी नहीं बनाएंगे उसमें, बट आपको इतना बोल कर डरा देंगे एग्जाम हॉल से बाहर निकले तो पता है कि उनका नहीं होगा, लेकिन वो भी इतना ना आपको फ्रस्ट्रेट कर देंगे, मेरा तो ये आंसर आया तुम्हारा गलत हो गया, मतलब बिल्कुल आपको छुप के रहना है और अपना चीज़ों को बढ़ते रहना है। फ्रेंड सर्किल में 1% भी कोई भी अगर व्हाट्सअप करके बोले क्या तैयारी कर रहे हो, पता नहीं हुआ नहीं वो, अगला 6 महीने तक उससे बात मत कीजिए। सही बता रहा हूँ, खराब बात नहीं बोल रहा हूँ, चाहे आपका कितना भी क्लोजेस्ट वन हो, क्योंकि आपके पीछे पूरा फैमिली का करियर है। इधर कोई भी अगर एक लाइन होना ना होना दूसरी बात है, निगेटिव अगर बोलना स्टार्ट किया मतलब आपको निगेटिव कर देगा। कोई अगर बोलता है चलो 2 दिन घूम लेते पार्टी कर लेते हैं, उससे तो बिल्कुल, उसको तो बिल्कुल ब्लॉक कर दीजिएगा, उसे बात नहीं ब्लॉक ही कर देना है। मैं करता हूँ भाई, आज तक करता हूँ, मेरे फ्रेंड सर्किल में अब जो होंगे वो कहीं ना कहीं फैकल्टी होंगे या कहीं जॉब कर रहे होंगे, तो जो भी फैकल्टी अगर ज़्यादा या कोई भी अगर मुझे मेंटली अगर मुझे डिप्रेस करने की कोशिश करता है कि हाँ ये देखो इस कोचिंग में तो इतना बच्चा है, अगर ऐसा कोई बात करना स्टार्ट किया मतलब मुझे डाउन दे रहा है, निगेटिव कर रहा है,
ताकि मैं एकदम उदास होकर बैठ जाऊँ, मैं उसको बात ही नहीं करता हूँ। 10 बार कॉल करेगा या तो ब्लॉक नहीं करते हैं, ख़राब आ जाएगा, बट उठाता ही नहीं कॉल, ना ही व्हाट्सएप को रिप्लाई करता हूँ, क्योंकि मुझे खुद को पॉजिटिव बना के रखना है भाई। मैं ही नेगेटिव हो गया तो सिस्टम कैसे चलेगा, मेरा फैमिली कैसे चलेगा। इसलिए यहाँ से हार गए तो हार ही जाएंगे, 10 ही बच्चा आएगा, कोई बात नहीं है, उस 10 बच्चा को तो खुश होकर पढ़ा देंगे, उस 10 बच्चे को तो कम से कम खुश रखेंगे तो 20 आ जाएगा। इसलिए ये सब बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल निगेटिव मत होइए। फैमिली में भी कोई अगर निगेटिव बोलते हैं, बोले ठीक है टाइम दो, प्रूफ करने दो, चलिए ऐसे घूमेंगे 2 एंड 3, ऐसे घूमेंगे 2 एंड 3, तो 2 एंड 3 एंड 2 एंड 3 तो अल्फाबेटिकल, तो हम लोग अल्फाबेटिकली कौन सुपीरियर है, इथाइल, राइट। तो इसको हायर नंबर देंगे या लोअर नंबर, ऐसे जाएंगे तो उसको 3 मिलेगा, ऐसे जाएंगे तो उसको 1 2 3, राइट। नाम क्या हो जाएगा, 2 इथाइल 3 मिथाइल, लास्ट में ऑक्सीजन, हो गया ख़त्म। तो कॉमन नेम ऑफ इपोक्साइड इतना ही डिजर्व करता था, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए। अब लिखिए IUPAC नेम ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, IUPAC नेम ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, ये क्या है देखिए, तो बोले एसिटिक एसिड, ये क्या है मतलब इथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड क्यों और कैसे बाद में, अभी सिर्फ मॉर्फोलॉजी। इन दोनों को मिला लिए, द टू मॉलिक्यूल ऑफ इथानोइक एसिड कंबाइंड टुगेदर एंड 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहां से आउट करता है, तो ये यहां पे आ जाएगा, क्यों आएगा, कैसे आएगा बाद में रिएक्शन के टाइम पे, अभी बस इतना ही जानी है। तो ये जो बन रहा है, ये जो बना उसको क्या बोलेगा, एसिड एनहाइड्राइड, करेक्ट। बट ये 2 डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड से बना है या सेम टाइप, तो सेम टाइप। तो अब उल्टा इसका पूछा, मैं ये दूंगा और बोलूंगा कि इसका पेरेंट एसिड कौन, पेरेंट एसिड कौन कौन, कौन नहीं कौन कौन। तो एक काम कीजिए ना, जो लिए थे दे दीजिए, यहाँ से क्या लिए थे OH, इसको OH दे दीजिएगा, यहाँ से क्या लिए थे H, उसको H दे दीजिएगा, तोड़कर दोनों एसिड बना लीजिए, वही उसका पेरेंट एसिड रहेगा, इज इट राइट। बट यहाँ देखिए, तो मैंने इस ऑक्सीजन के थ्रू एक लाइन खींचा, इसके इस तरफ और इसके इस तरफ अलग ग्रुप नजर आ रहा है या सेम ग्रुप, तो एसिड एनहाइड्राइड में ऑक्सीजन के थ्रू अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और अगर दोनों तरफ का सेक्शन अगर सेम रहेगा तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे, असिमेट्रिकल एनहाइड्राइड किसे बनेगा, डिफरेंट एसिड से या सेम एसिड का डिहाइड्रेशन से। देखिए यहाँ पर If R1 equal to R2, if what? R1 equal to? So R1 equal to R2, then it is called what? Yes, it is called symmetrical anhydride. एक लिखे, इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड
वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज इग्नोर्ड फॉर नेमिंग. वन हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल इज इग्नोर फॉर द नेमिंग. एंड पेरेंट चेन इज लोकेटेड एंड पेरेंट चेन इज लोकेटेड इन अदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल. एंड पेरेंट चेन इज लोकेटेड इन अदर हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल. बेस नेम लिखिएगा. बेस नेम इज अल्कानोइक एनहाइड्राइड. बेस नेम एसिड का बेस नेम यही था अल्कानोइक, उसी का एनहाइड्राइड है तो बेस नेम क्या हो जाएगा? अल्कानोइक एनहाइड्राइड. उसको नीचे एक और पॉइंट लिखिए. कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट एसिड. कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट एसिड. कॉमन नेम अकॉर्डिंग टू इट्स पेरेंट एसिड. हाँ, बेस नेम इज अल्कानोइक अल्कानोइक एनहाइड्राइड. ये भी मैं किसके लिए बात कर रहे हैं एवरीवन? सिमेट्रिकल के लिए. बेस नेम के लिए नहीं, सिमेट्रिकल के लिए इसका बेस नेम रहेगा, राइट. और कॉमन नेम किसके अकॉर्डिंग होगा? जो इसका पेरेंट एसिड रहेगा. एग्जांपल के तौर पे यहां देखिए, दिस इज अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? अनसिमेट्रिकल या सिमेट्रिकल? तो सिमेट्रिकल है तो वन हाफ को आप इग्नोर कर सकते हैं और दूसरे हाफ को काउंट कीजिए. और नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा. नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? इसमें रूल है कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप. कार्बन ऑफ द, ये भी लिख लीजिए, भूल जाइएगा. नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन. नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बोनाइल कार्बन. तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या रहेगा एवरीवन? बोले मिथानोइक. एक ही कार्बन है ना पेरेंट चेन में, दिस इज योर पेरेंट चेन. तो क्या लिखेंगे? मिथानोइक एनहाइड्राइड. बोले इसका पेरेंट एसिड कौन सा है? पेरेंट एसिड इज मिथानोइक एसिड. तो इसका कॉमन नेम क्या होता था? इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? फॉर्मिक एनहाइड्राइड. ठीक है. हो गया ना? चलिए, इसका आयु किसी ने बताइए. भाई दिस इज ऑल्सो द केस ऑफ सिमेट्रिकल, राइट. तो वन हाफ को इग्नोर कर दीजिए और सिर्फ इस तरफ पेरेंट चेन. वन टू, नाम क्या हो जाएगा? इथानोइक एनहाइड्राइड. कॉमन नेम क्या रहेगा? एसिटिक एनहाइड्राइड. अनसिमेट्रिकल है सिमेट्रिकल? बिल्कुल सिमेट्रिकल है.
इस तरफ को इग्नोर कर दीजिए, 1, 2, 3, हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पैरेंट चेन, 3, एंड देर इज वन सब्स्टिट्यूएंट, नाम क्या रहेगा एवरीवन? प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, हो जाएगा। क्या बोले? नहीं, पहले आपको चेक सिर्फ एसिड एंड हाइड्राइड के लिए चेक करना पड़ेगा कि सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल है। अगर सिमेट्रिकल है तो वन ऑफ द पार्ट को इग्नोर करके सिंपली यही नाम लिखना रहता है। अगर ऐसे नाम लिख दीजिएगा तो जिनको भी नॉलेज रहेगा उनको पता रहेगा कि दिस केस ऑफ सिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल रहेगा तो दोनों पार्ट का लिखना पड़ता है और दो बार अल्कानोइक लिखना पड़ता है। यहाँ पर अल्कानोइक कितना बार आया? एक ही बार आया ना, तो डिफॉल्ट में कन्वेंशन हो जाएगा कोई सिमेट्रिकल का केस है, राइट? आप बताइए, एक मिनट, मुझसे क्वेश्चन पूछने से पहले जो चीज़ मैं पढ़ा दिया हूँ यू हैव टू आंसर। मेरे साथ पढ़िए, फॉर्मिक, एसिटिक, प्रोपायोनिक, ब्यूटायरिक, ये पूछने का रिक्वायरमेंट है। कॉमन नेम तो आप ही को पता है, इसका कॉमन नेम क्या रहेगा? टू मिथाइल और प्रोपानोइक, इसका क्या था? प्रोपायोनिक, यही था ना कॉमन नेम। और ब्यूटानोइक का ब्यूटायरिक, पेंटानोइक का वैलेरिक, हेक्सानोइक का कैप्रोइक, 1 से 6 तक रटवाए थे, ठीक है। ओके, इफ आर वन नॉट इक्वल टू आर टू, इसका मतलब दिस देखे सब हट अनसिमेट्रिकल। तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? अनसिमेट्रिकल का, करेक्ट है ना? लिखिए, इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एनहाइड्राइड नीदर साइड इज इग्नोर, नीदर साइड इज इग्नोर, सेम ऑपरेशन एज इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड, सेम ऑपरेशन एज इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट, सेम ऑपरेशन एज इन केस ऑफ सिमेट्रिकल एनहाइड्राइड इज कैरिड आउट ऑन बोथ साइड। यहाँ देखना है, इस ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल। तो इस केस में आप ऐसे कीजिएगा, इस तरफ का नाम अलग लिखिएगा पूरा, मतलब इस तरफ का नाम पूरा लिख देंगे तो इस तरफ का नाम क्या? मिथानोएक। और इस तरफ का नाम पूरा लिखेंगे, क्या नाम लिखेंगे? इथानोइक, लिख लिए। अब दोनों, एक मिनट, दोनों का नाम लिखना है एक साथ मिलाकर, तो पहले एम लिखें या पहले ई लिखें? तो नाम क्या रहेगा? इथानोइक
बोलिए मेरे साथ, मिथानोएक और लास्ट में क्या, एनहाइड्राइड। क्लियर है ना? दोनों तरफ का नाम पहले अलग लिखना है, अब बाद में एक साथ सजाना है, ठीक है? सिमेट्रिकल या अनसिमेट्रिकल? क्या है? अनसिमेट्रिकल है। आपको मैंने क्या सिखाया एवरीवन? इस तरफ का पूरा नाम पहले लिखिए, तो क्या नाम होगा अलग से लिखिएगा। बोलिए, इस सेक्शन का नाम रहेगा थ्री इथाइल पेंटानोएक, करेक्ट है ना? और इस तरफ का नाम ब्यूटानोइक, करेक्ट। दोनों सेक्शन का अलग अलग लिख के रेडी हैं। अब कन्फ्यूजन ये है कि पहले इस तरफ वाले पार्ट का नाम लिखें या पहले उस तरफ वाले पार्ट का नाम लिखें। आप बोलिए। मुझे एक्चुअली इसी बात का डर था, कुछ सोचकर एग्जाम्पल लिए थे। इस पूरे सर्किल का नाम क्या? ई से स्टार्ट हो रहा है इस पूरे सर्किल का, इसको छोड़कर नाम है या पूरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से पूरा नाम इसका लिखना है। इसका आधा नाम है, पूरा नाम, इसका भी पूरा अलग, इसका भी पूरा अलग। और तब देखिएगा कि अल्फाबेटिकल कौन प्रिफर्ड है। तो भाई आप सिर्फ पर, मैं इसका नाम क्या बीस, ओ सॉ एक्सट्रीमली सॉरी सर, ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम सॉरी। ओह देखिए ये भी होता है एग्जाम में, राइट? ओके ओके, आप लोग करेक्ट हैं। तो एक्चुअली इसका नाम यहाँ पे पी से मत सोचिएगा, ऐसे यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा, इसका कंप्यूटर यहाँ से, राइट? तो ये ई है और ये क्या है? बी है। इसको पहले लिखेंगे, ठीक है? तो नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटानोइक। और उसके बाद थ्री इथाइल पेंटानोइक। एक्चुअली मैं इस एग्जांपल को लेने का सेंस था कि आप लोग ऐसा ना सोचे कि अल्कानोइक अल्कानोइक एक साथ, वो ने मैंने नहीं बोला अल्कानोइक अल्कानोइक, हो सकता नहीं आप सोचते ब्यूटानोइक पेंटानोइक एक साथ लिख लें, वो नहीं करना है। एक पूरा सेक्शन का एक साथ, उस पूरे सेक्शन का, बट कौन सा सेक्शन का पहले लिखें वो अल्फाबेटिकल डिसाइड कर लेंगे, ठीक है? तो ब्यूटानोइक थ्री इथाइल पेंटानोइक और लास्ट में क्या, एनहाइड्राइड। हो जाएगा एवरीवन? बात मत कीजिए, यहाँ देखिएगा ये एनहाइड्राइड है या नहीं है, साइक्लिक एनहाइड्राइड है। क्या है? साइक्लिक, ये भी एनहाइड्राइड का ही एग्जांपल है। ये बेंजीन में मैं लिखवा दूंगा अभी के लिए, बस याद रखिए। इस एसिड का नाम एक
स्पेशल नाम बताइए, मैं नहीं पढ़ाया हूँ लेकिन इसका नाम है थैलिक एसिड। पढ़ी तो मेरे साथ, बेंजोइक एसिड नहीं, क्या नाम है? दोनों एसिड ग्रुप को कंबाइन करते हो, इसको बोलते हैं थैलिक एसिड। एग्री, लिख लीजिए थैलिक एसिड, ठीक है। जो मुझे रिक्वायरमेंट होगा ना रिएक्शन में, उसी चीज़ को मैं ज़्यादा यहाँ पर प्रेजेंट कर रहा हूँ। फिर इसका नाम क्या रहेगा? यहाँ से OH, यहाँ से H, इसको बोलेंगे थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलेंगे? थैलिक एनहाइड्राइड। ओके एवरीवन, तो ऑलमोस्ट सारे फंक्शनल ग्रुप का इंडिविजुअल नेमिंग कर चुके हैं। दिमाग दौड़ाई तो कोई छूटा हुआ तो नहीं है? क्या बोले? हाँ, इसका नाम लिख लीजिएगा आप, मैं बता रहा हूँ क्या नाम होगा। इसका पेरेंट एसिड का नाम लिखिए, 1, 2, 3, 4। इसका थोड़ा अलग तरीके से होगा, इसका नाम बताइए। बोलिए मेरे साथ, ब्यूटेन डाइओइक एसिड, ब्यूटेन। तो इसका नाम क्या रहेगा? ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, उसी का तो होगा। यहां से OH और यहां से H, क्या हो जाएगा? ब्यूटेन डाइओइक एनहाइड्राइड, किसका मतलब साइक्लिक ही बनेगा। एक ही मॉलिक्यूल में दो एसिड है, उन दोनों एसिड से ही अगर आप वाटर का आउट करें तो साइक्लाइजेशन ही होगा, साइक्ले का स्ट्रक्चर डेवलप होगा, करेक्ट। चलिए अब लिखिएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ, हेडिंग बनेगा नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड, नोमेनक्लेचर ऑफ पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। रूल से पहले इसको याद रखिएगा, स्टूडेंट जिसको सबसे ऊपर लिख रहा हूं, ये प्रायोरिटी का सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चल रहा है, उसका हाई प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा, जो उससे नीचे रहेगा उसका प्रायोरिटी कम रहेगा। एज सब्स्टिट्यूएंट, एसिड का एज सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होता है? लिखिए, इस फंक्शनल ग्रुप का एज सब्स्टिट्यूएंट नाम सल्फो, क्या रहेगा? बोलिए सल्फो। यहाँ देखिएगा, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसका रहेगा, उसके बाद इसका रहेगा, उसके बाद इसका रहेगा। एक मिनट रुकिएगा, इसको पढ़ते हैं, दो कार्बन रहेगा तो, तीन नहीं तो, तीन कार्बन के लिए नहीं, इस दो कार्बन तो इसको बोलते हैं एसिटाइल ग्रुप। पढ़ी तो, कहीं कहीं शॉर्टकट में एसी लिखा रहेगा, क्या पढ़ेंगे?
एसीटाइल, करेक्ट, और इंक्लूडिंग ऑक्सीजन एसीटॉक से, इंक्लूड जैसे कैसे अल्कोक से कल के क्लास में स्टार्ट है, राइट। तो वैसे ही इसको क्या बोलते हैं छोटा वाला सर्किल को, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं कार्बोनाइल कार्बन, क्या बोलते हैं कार्बोनाइल। तो इसका एज ए सब्जेक्ट नाम होता है एसीटॉक्सी कार्बोनाइल, ठीक है ना, तोड़कर समझा दिए हैं। अब सी एच थ्री की जगह पर सी एच टू सी थ्री रहेगा तो कुछ और बोलेंगे, बट अभी के लिए इतना जानिए, बाद में देखते हैं। एक नंबर थर्ड का प्रायोरिटी है, यहां देखिए ध्यान सुनिएगा, यहां पर देख रहे हैं सब लोग, एक कौन सा फंक्शन ग्रुप, पढ़िए एस्टर, एस्टर का नंबर फोर रहेगा, करेक्ट। और अगर एस्टर कार्बोनाइल कार्बन के तरफ से सब्स्टिट्यूएंट बना है, इसके तरफ से, इसके तरफ से एस्टर का सब्स्टिट्यूएंट बनने का दो तरीका हो सकता है एवरीवन, एक डेमो देख लीजिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कितना फंक्शनल ग्रुप, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, तीन फंक्शनल ग्रुप है, तीन कौन कौन सा है भाई, जरा नाम बताइए। तो एक तो मुझे एसी नजर आ रहा है, एक क्या, ये आपके लाइफ में क्या है, एस्टर, अरे एस्टर ही तो है, सी डबल बॉन्ड ओ आर कार्बन, इसको क्या बोलिएगा एस्टर, ए वी एस्टर है, ए वी एस्टर है, एसिड है, तो एसिड और एस्टर रहेगा तो बिग बॉस तो एसिड ही है, सबसे टॉप प्रायोरिटी, करेक्ट। इसका नाम लिख एक बार लिख लेते हैं, बट आप लोग का जो बेस्ट नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ देखिए जनरली हम लोग एस्टर का एज ए सब्स्टिट्यूएंट यहाँ से जानते हैं, एक ये क्या बोलिएगा अल्काइल इंक्लूडिंग ऑक्सीजन क्या अल्कोक्सी, क्या कार्बोनाइल, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नाम रहता है अल्कोक्सी, आगे कौन बोलेगा राकेश सर कार्बोनाइल, थोड़ा बहुत भाई सुबह से बोलते रहता हूँ, आप लोग बोला कीजिएगा, अभी मैं क्लास से बाहर निकल जाऊँ, देखिएगा आप लोग को पोटेंशियल एनर्जी इनर्जेटिक नहीं माहौल बना देते हैं, क्लास में 5 मिनट निकल जाओ ना माहौल बन जाएगा। यहाँ देखिएगा इसका ये भी तो एस्टर है, एस्टर दो तरफ से सब्स्टिट्यूएंट बन सकता है, एक कार्बोनाइल कार्बन की तरफ से, एक ऑक्सीजन की तरफ से, तो जब ऑक्सीजन के तरफ से सब्स्टिट्यूएंट बनेगा समथिंग लाइक दिस, एक एग्जाम्पल लेके सिखाते हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये मेरा सब्स्टिट्यूएंट है, आप पूछेंगे किसका सब्स्टिट्यूएंट है, तो बोलना है कि सर एस्टर का, इट इज काइंड ऑफ व्हाट लुक्स लाइक एस्टर के जैसा, तो यहां से काउंट कीजिएगा, करेक्ट, यहां से यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस पार्ट को पढ़ेंगे कैसे, अभी मैं बताया था कि इसको पढ़िएगा एसीटाइल, वैसे ही इस पार्ट को पढ़ेंगे अल्केनवाइल, पढ़िए तो दो तीन बार पढ़िए, ये छोटे वाला सर्किल का नाम हुआ, किस बड़े वाला का है, छोटे वाला का आई इंक्लूडिंग ऑक्सीजन क्या हो जाएगा ऑक्सी, लास्ट में क्या लगाना है आप पूरा पढ़िए अल्केनवाइल ऑक्से, दूसरी बार बोलिए, यस अभी समझ में आ गया है। तो भाई यहां पे देखिए, ये तो वन रहेगा, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नाम क्या होगा, इसका जो सब्स्टिट्यूएंट नाम होगा मिथॉक्सी कार्बोनाइल,
अल्कोक्सी कार्बोनाइल, क्या नाम होगा? बट इसका नाम क्या रहेगा? इथॉक्सी नहीं, अल्केनवाइल, इथेनवाइल, लास्ट में ऑक्सी, इथेनवाइल ऑक्सी। बोल नहीं सकते, लिख तो सकते हैं। ओके, इसका नाम क्या है? मिथॉक्सी कार्बोनाइल। इसका नाम सर स्टार्टिंग विथ ए, स्टार्टिंग विथ ए, इसका स्टार्टिंग विथ एम, तो अल्फाबेटिकल कौन सुपीरियर है? इसका नाम ही लिख देते हैं यहाँ पे, कहानी खत्म। तो इसमें अगर इस तरफ से नंबरिंग करते तब क्या मिलता? सब्स्टिट्यूएंट का वन पे कहाँ सब्स्टिट्यूएंट है भाई, ये तो मेन फंक्शनल ग्रुप है। टू थ्री, और इस तरफ से करते तो टू थ्री, तो कौन डिसाइड करेगा? अल्फाबेटिकल, विच वन इज अल्फाबेटिकली सुपीरियर? ई, राइट, क्योंकि इसका नाम स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मिथॉक्सी, स्टार्टिंग विथ ए बी सी डी में ई पहले या एम पहले? ऑब्वियसली कितना काम आ रहा है ए बी सी डी जो पढ़े हैं, राइट। वन टू थ्री, चलिए अब नाम क्या होगा? बोलिए बोलिए, टू थ्री मिथॉक्सी कार्बोनाइल आपको पढ़ाया हुआ था कि वेन एसिड ग्रुप डायरेक्टली अटैच विथ रिंग देन ऐड ए सफिक्स कार्बोक्सिलिक, याद आया? अगर ये दोनों नहीं रहता तो रिंग से अगर अटैच रहता तो उसका नाम क्या था? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। वेन एसिड डायरेक्टली अटैच विथ रिंग, तो नाम नॉमकेचर क्या सिखाए हैं? साइक, छः मेंबर लेते थे तो साइक्लोहेक्सेन, थ्री मेंबर है तो क्या बोलिएगा? अगर ये दोनों नहीं रहता तो इसका नाम क्या बोलते हैं? साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड, तो वही तो अभी भी नाम होगा। तो इसका नाम क्या रहा? टू इथेनॉइल ऑक्सी, थ्री मिथॉक्सी कार्बोनाइल, साइक्लोप्रोपेन। एक चीज तो आपको पता ही होगा, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये तो बिल्कुल 4 मार्क्स डिजर्व करता है नॉमक्लेचर। तो कितने परसेंट लोगों को पता है कि एस्टर का दोनों तरफ से रहेगा तो अलग अलग नाम होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट? वेरी फ्यू। तो अब बट हम लोग को पता रहेगा, ठीक हो जाएगा। तो एस्टर का सब्स्टिट्यूएंट बनने का कितना तरीका रहेगा? दो, या तो कार्बोनाइल कार्बन की तरफ से बनेगा, नहीं तो कार्बोनाइल कार्बन की तरफ से बनेगा तो अल्कोक्सी कार्बोनाइल, ऑक्सीजन की तरफ से बनेगा तो अल्केनवाइल ऑक्सी। चलिए यहाँ पे हो गया। तो इसका नाम क्या रहेगा? एक ऑर्डर चल रहा था, इस ऑर्डर को मेंटेन करेंगे। चलिए इसका नाम क्या रहेगा? अल्कोक्सी कार्बोनाइल। और इसका नाम क्या लिखेगा स्टूडेंट? अल्के, यहां तक आ जाइए। ओके, नहीं एस्टर तो एस्टर का एस्टर तो एस्टर ही रहेगा ना एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो प्रायोरिटी तो सेम ही रहेगा। ए मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, उसी सीक्वेंस को मेंटेन कीजिएगा। इसके बाद प्रायोरिटी है इसका, इसका एज ए सब्स्टिट्यूएंट नेम। हेलो कार्बोनाइल, अगर क्लोरीन रहेगा तो क्या बोलेगा? क्लोरोकार्बोनाइल एज ए सब्स्टिट्यूएंट। फ्लोरीन रहेगा तो क्या पढ़िएगा? ब्रोमीन रहेगा क्या पढ़िएगा? ब्रोमोकार्बोनाइल। एज ए होल, एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो एसिड हैलाइड के बाद किसका प्रायोरिटी रहेगा? एमाइड का। इसका प्रायोरिटी, इसका नाम होता है एज ए सब्स्टिट्यूएंट।
पढ़िए। वेरी गुड। उसके बाद सब इसका होता है प्रायोरिटी, इसका जो सब्सिट्यूशन है सी एन के बाद एन सी नहीं है, एन सी नीचे है, सी एन के बाद अल्डिहाइड। यहाँ देखिए अल्डिहाइड का जो सब्सिट्यूट नेम, इसका ये सब्सिट्यूट नाम दो होता है, फॉर्माइल एज वेल एज ऑक्सो। तो जब नॉमिनेशन करते रहेंगे पॉलीफंक्शनल का, तो मैं आपको डिफाइन कर दूंगा कहाँ पे फॉर्माइल यूज करना है और कहाँ पे ऑक्सो यूज करना है, ठीक है। कीटो का एज ए सब्सिट्यूट नाम होता है ऑक्सो, या सम टाइम्स इसी का दूसरा नाम रहता है कीटो भी यूज होता है। एज ए सब्सिट्यूट नाम इसका क्या बोल सकते हैं, मैं पढ़ देता हूँ, बट एक मैं ऑर्डर में लिख चल रहा हूँ, रैंडम नहीं है, जो ऊपर है उसका प्रायोरिटी नीचे वाला से ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। तो एल्डिहाइड के बाद किसका प्रायोरिटी, कीटो का, कीटो का एज ए सब्सिट्यूट नाम ओ एक्सो ऑक्सो, या ए भी यूज होता है कीटो, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अल्कोहल, इसका जो सब्सिट्यूट नेम हाइड्रोक्सी। उसके बाद SH, ये सब्सिट्यूट नेम सल्फेनाइल। NH2 एज ए सब्सिट्यूट नेम एमाइनो। एज ए सब्सिट्यूट नेम आइसो साइनो। इसका जो सब ये क्या है, इथर ना, इसका जो सब्जेक्ट नाम ये तो कल ही पढ़ाए हैं, अल्कॉक्सी। उसके बाद अल्कीन, यहां देखिए अल्कीन अगर कहीं पर सब्सिट्यूट बना हुआ है, मतलब हाइड्रोजन हटकर वन हाइड्रोजन रिमूव करके उसको जोड़ा गया है, तो इसका जो सब्सिट्यूट नाम होता है अल्किनाइल। क्या होगा, अल्कीन मान लेते हैं पेरेंट चेन है, यहाँ देखिए मेन पेरेंट चेन कोई और यहाँ पे अल्कीन को जो सब्सिट्यूट जोड़ना है, तो डैम से अल्कीन से वन हाइड्रोजन रिमूव करके जोड़ेंगे, और वन हाइड्रोजन अगर अल्कीन से रिमूव करते हैं तो क्या होता है वो क्या होता है, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्कीन प्रोड्यूस अल्किनाइल, प्रोड्यूस व्हाट, दैट्स व्हाई इसका नाम क्या यहां पे बोल रहे हैं अल्किनाइल। यहां तक हो गया, कहां पे प्रॉब्लम है, ये अल्कीन से अल्किनाइल, अल्कीन से व्हाट, क्या आप खड़ा होते हो, आपके पीछे वाला नजर नहीं आता है, आप मुझसे पूछिएगा, यहां तक नजर आया अल्कीन, यहाँ पे पढ़िए अल्किनाइल। अल्काइन का जैसा सब्सिट्यूट नेम नीचे बस एक लाइन लिख लीजिए, ग्रुप रिटेन अबव इन दिस टेबल
ग्रुप रिटेन एवव इन दिस टेबल इज ऑफ हायर प्रायोरिटी, इज ऑफ हायर प्रायोरिटी विथ रेस्पेक्ट टू ग्रुप रिटेन बिलो, विथ रेस्पेक्ट टू ग्रुप रिटेन बिलो। इस टेबल में जो ऊपर है उसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, जो नीचे है उसका प्रायोरिटी कम है। इसको हटाया जाए। ऑनलाइन स्टूडेंट, हाँ ना, कुछ तो बोलिएगा तभी तो हटाया जाएगा। हो गया, अब लिखिए रूल्स फॉर पॉली फंक्शनल कंपाउंड। रूल्स फॉर पॉली फंक्शनल कंपाउंड, रूल्स फॉर पॉली फंक्शनल कंपाउंड। फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, फाइंड आउट प्रिंसिपल ग्रुप, फाइंड आउट प्रिंसिपल ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी टेबल, ऑन द बेसिस ऑफ प्रायोरिटी टेबल। एक मिनट रुकिएगा। मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है, ध्यान सुनिएगा, कोई एक कंपाउंड है, करेक्ट, कोई एक कंपाउंड है हाइपोथेटिकली, उसमें एसिड भी है, NH2 भी है, OH भी है, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे चक्कर ये रहेगा कि बेस नेम तो ऑलवेज हम लोग पेरेंट चेन का लिखते हैं। अब बेस नेम पेरेंट चेन में कितना कार्बन है उस पर डिपेंड करता है, और मेरा मेन ग्रुप कौन है उस पर डिपेंड करता है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसका है? एसिड का है। एक मिनट के, किसका है? तो जैसे ही सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी इसका है तो बेस नेम इसका होगा, किसका होगा, और नंबरिंग भी पेरेंट चेन का इसके अकॉर्डिंग होगा, इसके अकॉर्डिंग होगा। और एसिड के अकॉर्डिंग नंबरिंग कैसे करते थे? नंबरिंग का स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ द एसिड ग्रुप। नंबरिंग ये क्या है, ये जो आपका इसका मतलब, इन तीन में से प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप किसको बोलेंगे? मेन फंक्शनल ग्रुप। यस, ये किसके बेसिस पे बोले? प्रायोरिटी। तो इसमें ये रहेगा क्या, तो अब समझ आ रहा है कि मैं किसको प्रिंसिपल ग्रुप बोल रहा हूँ? दिस द प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो बेस नेम किसका होगा? बेस नेम कौन डिसाइड करेगा? बेस नेम या नंबरिंग कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा, करेक्ट है ना। लिखिए ये डायग्राम बनाने के बाद, क्या लिखे थे फर्स्ट पॉइंट में? ऑन द बेसिस ऑफ। सेकेंड पॉइंट लिखिए, इफ प्रिंसिपल ग्रुप इज वन ऑफ मोनोवैलेंट, इफ प्रिंसिपल ग्रुप इज वन ऑफ मोनोवैलेंट विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच। ये टर्म समझते हैं ना, विथ और विदाउट, विथ कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, देन नंबरिंग अ स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, देन
नंबरिंग स्टार्टिंग फ्रॉम कार्बन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप, फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन। यहां सुनिए स्टूडेंट, आप इस नॉमिनेटर क्लास में मत बैठिए, वजह है कि आपको जब गाइड कर रहा हूं तो पूरा खिचड़ी हो जाएगा। तो आपको मैंने कल ग्रुप में बोल दिया ना कि यहां से फॉलो करना है, क्योंकि बीच में आपको कुछ पता चलेगा नहीं, बहुत फ्रस्ट्रेशन होते रहेगा। आप मेरे उस सीक्वेंस को फॉलो कीजिए, मैं नेक्स्ट ईयर आपको दोबारा कहीं पर पढ़ाऊंगा ऑफलाइन क्लास में। तो जैसे जैसे एक किसी चीज़ को स्टार्टिंग से स्टार्ट करना चाहिए, बीच से नहीं, क्योंकि कोई एक पढ़ा रहेगा तो उसको बीच में बोल सकते हैं। तो आप क्लास 11 के हैं तो आप लेक्चर 1 लेक्चर 2 जैसे मैं रात में लिखा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में वैसे फॉलो कीजिए। मैं इवन मैथमेटिकल टूल के लिए भी, तो आप आते रहिए, बट आप मुझसे पूछते भी रहेगा सर ये क्लास मेरे लिए सही है या नहीं है। तो क्लास आप आइए डेली सुबह में, बट मुझसे एक बार पूछिएगा कि क्लास करें या नहीं करें, क्योंकि दो घंटा मैं आपको या वन हाफ आवर फ्रस्ट्रेट नहीं करना चाहता हूँ। बैठे हुए मुझे पता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, राइट। बहुत सारा रूल पहले का है, 90% रूल तो पहले का ही चलता है ना। अब एटलीस्ट 7 लेक्चर भी नॉम का फॉलो कर लेंगे तब मुझे पकड़ पाएंगे कि मैं कहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, बट सारा कुछ वहाँ का कैरी ऑन हो रहा है, ठीक है। मैथमेटिकल टूल में बैठिए, उसमें फ़ायदा होगा, बट इसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब भी क्लास रहेगा उसको इग्नोर कर दीजिएगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैं इसमें पढ़ाता हूँ मंडे ट्यूजडे एंड फ्राइडे, याद रखिएगा 10:30 से, ठीक है। क्योंकि देखिए मैं टीचर हूँ ना, मुझे भी समझ में आता है कि बीच से समझ में नहीं आएगा, तो सिर्फ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करने के लिए मत बैठिए। कॉपी कर रहे हैं, टाइम वेस्ट होगा ना आपका, उतना देर में आप घर पे बैठकर मेकअप कीजिएगा, टाइम किल मत कीजिए। कहाँ तक लिखे थे? फाइंड लॉन्गेस्ट कंटिन्यूअस चेन कंटेनिंग ऑल अदर ग्रुप, कंटेनिंग ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप, कंटेनिंग ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप। एज पॉसिबल एज कॉमा, दिस विल बी द पैरेंट चेन इवन इफ इट इज शॉर्टर देन ए चेन, दिस विल बी द पैरेंट चेन इवन इफ इट इज शॉर्टर देन ए चेन which does not containing all functional group. मैं जितना बात लिखवाया हूँ सबको एक लाइन से पढ़िए। तो यहाँ देखिए बोले इस पूरे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप पहचान लेंगे। फंक्शनल ग्रुप अल्काइन के बाद स्टार्ट हुआ था, राइट। तो हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप और ये, राइट। इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा? नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करना है? यहाँ से स्टार्ट करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 या 1, 2, 3, 4, 5। हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स शुड बी इन पैरेंट चेन? लॉन्गेस्ट एंड कंटिन्यूअस रखना है, बट ये भी कोशिश करना है कि इसको इस फंक्शनल ग्रुप को छोड़कर बाकी जो फंक्शनल ग्रुप है एज पॉसिबल एज उसको पैरेंट चेन में इंक्लूड कीजिए। पैरेंट चेन में इंक्लूड मतलब वो डायरेक्टली कार्बन से, अगर पैरेंट चेन कार्बन से अटैच है तो उसको उसमें रखना है। इट डजंट मैटर कि दिस वन इज शॉर्टर देन अदर चेन विच डज नॉट कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। समझ गए मेरे बात को? तो पूरा सेंटेंस इसीलिए मैं लिखवाया था
इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5 मेरा पेरेंट नहीं रहेगा ना कि ये रहेगा, करेक्ट। अभी तो लिखवाया उसको, पढ़िए दोबारा, पुरल पढ़िए तो एक लाइन से, तो के कॉमा कॉमा देख कर लिखवा रहा था ना। जहाँ पे की पॉइंट लिखता है वहाँ पर अंडरलाइन कीजिए। कहीं पे लिखवाया कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन कंटेनिंग ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप, राइट, दिस विल बी द पेरेंट चेन, इवन इफ इट डज नॉट मैटर इट इज शॉर्टर देन ए चेन विच डज नॉट कंटेनिंग ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप, करेक्ट। इसका मतलब है कि अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड करने का प्रायोरिटी दे रहे हैं, उस चक्कर में अगर मेरा चेन शॉर्ट हो भी छोटा भी हो जाएगा, नहीं कोई बात नहीं, उस चक्कर में अगर शॉर्ट भी हो जाएगा तो उसके लिए टेंशन लेने का रिक्वायरमेंट, इसका मतलब यही था। नाम क्या होगा? अब हाउ मेनी नंबर ऑफ कार्बन इन पेरेंट चेन, ए क्या बन गया सब्स्टिट्यूएंट, ये भी क्या है, इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पेंटाइल, इसका नाम, तो किस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखे, नाम क्या हो जाएगा, फॉर एमाइनो, उसका नाम क्या रहेगा, 3-pentyl, करेक्ट। और उसके बाद यस पेंटानोइक एसिड, ठीक है ना। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल बाद में डिसाइड करेंगे, पहले फंक्शनल ग्रुप कितना है, 3। कौन कौन सा सर, एसिड, एमाइन और अल्कोहल, इन तीनों में प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, एसिड। तो नंबरिंग या बेस नेम कौन डिसाइड करेगा, नंबरिंग इसमें कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3 इधर जाए या इधर जाए, क्यों, फंक्शन ग्रुप फोर इंक्लूड करना है, 4, 5, 6। नाम क्या होगा भाई, इसका क्या नाम है एज ए सब्स्टिट्यूएंट, एमाइनो, इसका क्या, हाइड्रोक्सी, इसका नाम क्या बोलिए, ब्यूटाइल, क्या रहेगा, ओके। तो अब सब्स्टिट्यूएंट को सजाना है अल्फाबेटिकली, तो सबसे पहले किसको लिखें, ए 4-amino, उसके बाद यस 3-butyl, उसके बाद 6-hydroxy, और उसके बाद hexanoic acid। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम, एक और पॉइंट लिखे, हाँ अभी देख तो सही है, हाँ क्या बोले, रिवीजन करके आया कीजिए, वैसा को एसिड जब पढ़ा रहे थे तो नम पूछा कॉपी तो होगा, आप ऐसे ही पढ़ाए वहाँ पर पलटिए पेज, नहीं उनका आंसर उनको मिल जाएगा, उनको खोजें तो दीजिए, खुद का मिस्टेक खुद ही तो खोजेंगे। जहाँ पे एसिड का इंडिविजुअल नाम की तरह स्टार्ट किया हूँ,
एक से ज़्यादा एसिड ग्रुप था, दो से ज़्यादा, जहाँ पे दो से ज़्यादा था वो पेंचर में, वहाँ देखिए तो वहाँ पे दो मेथड था नॉमक्लेचर का, हाँ फर्स्ट मेथड में देखिए तो देन हो गया ना भाई, एक बार पढ़ाने बाद प्लीज़ रिवीजन कीजिए इसे, चलिए कोई बात नहीं है, अभी चलेगा, कुछ छूटते रहेगा, कुछ पकड़ में आते रहेगा, ये तो अभी चलते रहेगा एग्ज़ाम तक, बट शॉर्ट नोट्स बनाते तो नहीं चलता, इसमें डैम से आपने शॉर्ट नोट्स नहीं बनाया, शॉर्ट नोट्स बनाइए भाई, एक डेली बोलते हैं डेली सुनते, मतलब आप लोग क्या करें इधर से सुन रहे इधर से आउट, आप लोग ऐसे एक आध दिन बोल दीजिएगा सर दो दिन टाइम दीजिए, तीन दिन टाइम दे दीजिए, कंटिन्यू छुट्टी दे दूंगा, या शाम में किसी दिन, नहीं टाइम तो देना पड़ेगा मुझे भी आप लोग को तो उसके लिए टाइम आपको दिया जाएगा, लेकिन शॉर्ट नोट्स मुझे लगता है कि आज पूरा क्लास जो पढ़ा रहे हैं उसको शॉर्ट नोट्स बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा लगेगा डेली, ये थोड़े बोले हैं कि सारा सब्जेक्ट बनाइए, ठीक है आज केमिस्ट्री का बना लेंगे, टाइम निकालना चाहिए तो 10 मिनट ही निकालना है सीरियसली, 15 मिनट काफ़ी है नॉमक्लेचर का एक क्लास का शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए, डेली सब कुछ का शॉर्ट नोट्स नहीं बनेगा आपसे, बस चीज़ों को तोड़ तोड़ कर कीजिए ना, कैसे काम नहीं होता है, मैं बीच ब्रेक में हाफ एन आवर में भी काम कर लेता हूँ बैठकर ऑफिस में, चाय पीते पीते भी काम हो जाता है, मतलब मेरा काम है कि जब तक यहाँ पर रहें तब तक काम करना है, तो हर मिनट का कुछ ना कुछ चीज़ होगा, चाहेंगे तो उसको बात करके भी उड़ा सकते हैं, बट काम करना है, 8 बजे क्लास रात में निकल लेकर निकलते हैं तो उस टाइम पर भी कोशिश करते हैं कुछ काम करके जाएँ, काम करके प्लानिंग करके ही जाते हैं कि कल का क्लास कैसे कैसे चलेगा पूरा दिन का, पहला प्लानिंग, सेकंड कोशिश करते हैं टेस्ट पेपर कैसा होगा, माइंड में कुछ ना कुछ चलते रहेगा, मतलब 100% कैटलिस्ट में इन्वॉल्व हैं, खाना का सो भी रहा है तो अच्छा है, यहाँ पे डीपी पे ऐसे, यहाँ पे तो सोचते रहे, मतलब अपने आप को 100 में उसमें डाल दीजिएगा नीट के प्रश्न में, तो भाई एक एक मिनट आप बेड पे गए तब भी रिविजन कर लीजिएगा, सर ने क्या क्या बोला था, क्या क्या डायलॉग दिए थे, अच्छा अल्कानोइक बोले थे, अल्कानोइक अनहाइड्राइड अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल, तो प्रॉपर इसमें आपको रहना पड़ेगा, मतलब ये बहुत बड़ा पागलपन है बट रहना पड़ेगा, मतलब जुनून टाइप का, ठीक है, हम लोग सिर्फ कहानी सुनते हैं मोटिवेशन लेते हैं कि ये एथलीट गांव से निकल के गोल्ड मेडलिस्ट हो गया, उसका पीछे का बैकअप द स्ट्रगल नहीं देखते हैं, है ना, कितना मोटिवेशन रहता है, तो रहता है जुनून, देखिए मैं IIT करके एक काम कर रहा हूँ, मुझे नहीं पता है कि मेरा करियर कहाँ जाएगा, मेरे हाथ में अभी एक ही चीज़ है, आपको क्या लगता है कि मतलब मैं किया था तो सिर्फ या इतना तो डिजर्व नहीं करता था, इतना मेहनत किया, मेरे माइंड में भी कुछ बड़ा चीज़ होगा, नहीं मिल पा रहा है, गिव अप नहीं कर रहे हैं, लास्ट मोमेंट तक फाइट करेंगे, पैसे के रिस्पेक्ट में नहीं बात कर रहा हूँ कि हाँ पैसा तो ठीक है जितना भगवान दिए पिछले 10 साल में, आई एम वेरी मच थैंकफुल टू गॉड, मैं उतना भी लाइफ में गांव से जो निकला था नहीं सोचा था, तो वो डजेंट मैटर, बट होता है कि एक हाँ कि बहुत बच्चा है बहुत रिजल्ट होना शुरू हो जाए, बट आई एम फाइटिंग फॉर दैट सिचुएशन, अब उसके लिए मैं एकदम बिल्कुल पागल हूँ, जुनून है कि नहीं करना है करना है, तो उसके लिए अपने आप को डाल दिया हूँ, इससे मेरा लाइफ बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, तो कहीं ना कहीं आप टाइम दीजिएगा तो फैमिली को टाइम निकाल कर ही दीजिएगा, अब कहीं ना कहीं अपने बच्चे का टाइम जो आपके पास है, घर पे जाते हैं तो उस टाइम पे भी बच्चे से बात न करके उसको डांट दे रहे हैं, कभी मुझे काम करना है, मतलब 6 महीने हो जाता है तो अपने वाइफ को 6 महीने या साल में 1 या 2 बार शायद बाहर लेके जाते हैं रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए, तो कहीं ना कहीं महाभारत होगा ना वो तो कहीं ना कहीं वर्स्ट करेगा, राइट, तो वो बहुत सारा चीज़ आपको सेक्रीफाई करना पड़ेगा, मदर पेरेंट्स को केयर नहीं कर पा रहे हैं, तो सब कुछ चल रहा है बट भाई गोल तो गोल है, उसमें तो कैसे कर सकते हैं, इसलिए उसके लिए प्लस
मेरा अपना सोचने का तरीका है, एक बार में मुझसे एक ही काम होगा भाई, दूसरा काम करने के लिए बोलते हो तो ये काम छोड़ देते हैं। अब कैटलिस्ट भी पढ़ा भी लें और बाकी सारा भी काम कर लें, पढ़ा भी लें और पिकनिक भी चले जाएं और हनीमून भी मना लें, तो ये होता है ना, मतलब चल के घूमिए समथिंग लाइक दैट। तो एक साथ तो सब कुछ नहीं हो सकता है, इसको अदरवाइज मत लीजिए सेंस में, मतलब एक मैं प्रैक्टिकल बात बोल रहा हूँ, हॉलीडे राइट, सब कुछ हो पाएगा नहीं, इतना नहीं हो पाया। मैं 2.5 ईयर के बाद, वो भी अभी मैं जाने का प्लान है, टच वुड सब कुछ सही है, कब कैंसिल कर दूंगा टिकट आई डोंट नो, मतलब चल रहा है जाए नहीं जाए, जाए नहीं जाए, तो मतलब ये चलते रहता है। और उसके पीछे क्या है, आप लोग जो आए, तो आपका करियर मेरे मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे जो बनना था वो मैं बन गया, बट आपका भाई लाइफ में, तो अगर मैं यहाँ पे कोरोना आया, आप लोग तो गवाह हैं, एक महीना क्लास तो सब कुछ बंद था, बट जब मैं क्लास लेना स्टार्ट किया तो मैंने एक एक टॉपिक क्लास लिया और सब कुछ पढ़ाया, चाहे बच्चे ज्वाइन करें नहीं करें, मेरा ड्यूटी क्या है, मुझे पढ़ाते रहना है। अब उसमें बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे चाहे जिस भी सरकमस्टांसेस है, इवन कि मैं कितना टाइम तो कितना डांटता था बच्चों को ऑनलाइन में भी, ज्वाइन करो ज्वाइन करो, अब उसमें कुछ बच्चे ज्वाइन करते रहे कुछ नहीं ज्वाइन किए, तो भाई आपको भी उतना ही ऑनेस्ट रहना पड़ेगा, उतना ही जुनून रखना पड़ेगा, तब होगा, मतलब एकदम एक्सट्रीम लेवल का और बड़ा मार्क्स लाना चाहते हैं तो, छोटा लेवल पे काम करना से नहीं होगा। अब इसमें भी डिफरेंस है, अब आपने बहुत तैयारी किया नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल फैन से लटक गए, मतलब वो नहीं करना है भाई, नॉलेज सब मेरे हाथ में क्या था, अभी मेरे हाथ में पिछले 10 साल से क्या है, कैटलिस्ट को रन करना, मेहनत करना, अब जो भी उसमें जो भी रिजल्ट आएगा उसको एक्सेप्ट करते रहेंगे। तो आप जो तैयारी कर रहे हैं, आप मेडिकल क्रैक किए नहीं किए, मतलब एक थोड़ा सा मैं फिलोसफिकल बात कर रहा हूँ, बट आपने जो नॉलेज गेन किया वो आपसे कोई नहीं ले सकता है, करेक्ट। अगर सही से जितना केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एट वर्स्ट नहीं भी होगा ना, और जहाँ पे आप बिलोंग करते हैं वहाँ जाकर पढ़ाना स्टार्ट कर दीजिएगा, माहौल बन जाएगा। जितना ऑर्गेनिक में पढ़ा रहा हूँ, एट वर्स्ट मैं नहीं बोलूँगा आप टीचर बन जाइए, बट एट वर्स्ट सिचुएशन नॉलेज रहेगा तो दाल रोटी का कमी नहीं रहेगा, जितना सिस्टमेटिक चीज़। तो इसलिए नॉलेज हम लोग का क्या है, जो पढ़ा रहे हैं किसी टीचर का नॉलेज ही तो रहा होगा, जो मेरे गॉड फादर हैं डॉक्टर डी के सी, तो उनके भरोसे ही तो ऑर्गेनिक यहाँ पर दिखा रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तो ये होता है नॉलेज। मतलब मेरे पास नॉलेज था तो एक ऑप्शन था ना कि जॉब रिजाइन दिया तो पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो नॉलेज कभी वेस्ट नहीं होता है, तो उस टाइम पर बहुत ऑनेस्ट रहने का रिक्वायरमेंट है। जैसे आप जितना डिस्टेंस से आते हैं ना, आपके लिए खासकर सीन में, उससे ज़्यादा डिस्टेंस से मैं हम लोग साइकिलिंग करके ट्यूशन जाते थे ना, मैं डी के सीन के यहाँ, उसमें भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती थी, लू चलता है वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ये साधन यहाँ वाला ये वाला फैसिलिटी नहीं था पटना में, अभी भी नहीं है वहाँ पे, जितने भी बच्चे क्लास करते हैं तो उसमें 99% साइकिल से जाते हैं ट्यूशन आते जाते हैं, वहाँ पे वही ट्रेंड है एक्चुअली, यहाँ का जो ट्रेंड था यहाँ पे, जैसे बस का ऑटो का या टेकर का है, वहाँ पे साइकिल का था, तो साइकिल ही एक ऑप्शन है, तो सारे टीचर वहाँ साइकिल से दौड़ रहे हैं, एक्सरसाइज का एक्सरसाइज और नॉलेज का नॉलेज, टेक इट पॉजिटिवली, तो वो चलते रहता था। बट उसमें क्या है कि पीछे एक मोटिवेशन बैक ऑफ द माइंड था कि मुझे करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है। आप लूज कब पड़ेंगे, जब आपके पास कुछ और ऑप्शन दिखेगा तब ना, कि खाने कमाने के लिए कुछ और ऑप्शन है, जब कोई ऑप्शन ही नहीं है, सारा ऑप्शन ही ब्लॉक है और एक ही ऑप्शन है, तो ले जाकर क्या किया जाएगा, उसी की तरफ जाना पड़ेगा, तो समथिंग लाइक दैट। ये कभी कभी मजबूरी में भी लोग को करना पड़ता है, जैसे अभी मेरा वही है, मेरा पॉइंट ऑफ रिटर्न कुछ है ही नहीं एक्सेप्ट कैटलिस्ट पढ़ाने के अलावा, जब मैं कुछ सोचता हूँ, क्योंकि फैमिली वाले हो गए ना, बैचलर थे तो फ्लाई करते, सिर्फ खुद का ही टेंशन है, बट अभी क्या क्या कीजिएगा फैमिली साहब, तो उस बहुत कॉन्फिडेंस भी रखना पड़ेगा भाई, मैं रो नहीं रहा हूँ, मैं एक बात बता रहा हूँ कि पढ़ा रहे हैं और उसमें हर साल डर रहता है कि नेक्स्ट ईयर क्या रहेगा, बट इतना कॉन्फिडेंस रहता है कि अगर ऑनेस्टली पढ़ाते रहेंगे 11th 12th क्लास के बच्चों को, बच्चे आएंगे। हाँ, बाहर के बच्चे मुझे नहीं जानते हैं, पब्लिसिटी नहीं है तो अलग सीन है, जिस दिन जानना स्टार्ट करेंगे उस दिन डैम श्योर आएंगे। बाहर का ड्रॉपर में थोड़ा गेम हो जाता है, 5,000 में भी एडमिशन हो रहा है, 10,000 में भी एडमिशन हो रहा है, 15,000 में भी हो रहा है, अब बच्चे बेचारे बाहर का नहीं पता है,
कहाँ पे टीचर 100% सिलेबस फिनिश करेंगे और सही से सिखा कर फिनिश करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा डिफरेंस है। जिस बाहर से बच्चे से बात करते हैं तो सर यहाँ पे इतना में हो रहा है, तो वहाँ पे थोड़ा कंपेरिजन थोड़ा पैसे का हो जाता है, बट यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं तो क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, खासकर गुवाहाटी के जो पेरेंट्स हैं। मैं एक चीज़ देखा हूँ, दो पैसा ज़्यादा लग जाए 11th 12th में, बट अगर मुझे जान रहे पर्सनली किसी के फीडबैक से तो यहाँ पे ही आएंगे, तो थोड़ा डिफरेंस है। एक और पॉइंट लिखे तो, इफ प्रिंसिपल ग्रुप इज, इसको हटा दीजिएगा, इफ प्रिंसिपल ग्रुप को अभी मत लिखिए इसका, कुछ और इसमें लिखना है मुझे, लिखिए एक और पॉइंट बनाइए इसमें। इफ ऑल ग्रुप्स आर नॉट पॉसिबल टू बी इंक्लूडेड इन वन चेन, इफ ऑल फंक्शनल ग्रुप आर नॉट पॉसिबल टू बी इंक्लूडेड इन वन चेन, देन disregard the group of lowest priority, then disregard the group of lowest priority. फिर से पढ़िए मैंने क्या लिखा। यहाँ देखिए, हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप, पहला तो पॉइंट था कि वहाँ पे लास्ट में लिखाए थे इफ पॉसिबल एज राइट, बट यहाँ पे पूरा एक लाइन लिखवाया ना पैराग्राफ, उसमें सारा बात बोला हुआ है। हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप, तीन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन है, एसिड। यहाँ से स्टार्ट करेंगे और इस तरफ जाएंगे तो OH आ पाएगा जो डायरेक्टली पेरेंट चेन के कार्बन से अटैच है, बट NH छूट जाएगा, और इस तरफ जाएंगे तो डायरेक्टली NH2 तो पेरेंट चेन में रहेगा बट H छूट जाएगा, तो देर इज ए कन्फ्यूजन, करेक्ट। तो उस टाइम पे हम लोग किसको इंक्लूड करें पेरेंट चेन में, OH को, जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा। OH और NH2 में किसका प्रायोरिटी ज़्यादा है, OH का, ये तो रटना पड़ेगा भाई, राइट। तो यहाँ पे इसको हम लोग सब्स्टिट्यूएंट के अंदर रखेंगे, इसको मेन पेरेंट चेन के अंदर, एक सब्स्टिट्यूएंट ही बना रहेगा बट मेन पेरेंट चेन कार्बन से इसको अटैच रखेंगे, ठीक है। 1 2 इसको डिसरिगार्ड, इसको रिगार्ड, मतलब इसको इधर, इसको इधर, 1 2 3 4 5 6 नाम क्या होगा, तो यहाँ देखिएगा इसका नाम क्या है, यह सब्स्टिट्यूएंट है, ये ऐसा सब्स्टिट्यूएंट है जिसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, राइट। इसका नाम हो जाएगा 1 2 3 4, इसका नाम ऐसे रहेगा क्या, इस सब्स्टिट्यूएंट का पेरेंट कौन, बोलिए ब्यूटाइल, इस सब्स्टिट्यूएंट का पेरेंट कौन, ब्यूटाइल, तो नाम हो जाएगा 2-amino ब्यूटाइल, एक मिनट, और इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या, हाइड्रोक्सी। तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम स्टार्ट किससे हो रहा है, ए से, तो नाम क्या रहेगा, 3, और सब्स्टिट्यूएंट इटसेल्फ सब्स्टिट्यूएंट स्मॉल ब्रैकेट में रखते हैं, करेक्ट, 2-amino ब्यूटाइल ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद 5-hydroxy, और लास्ट में हेक्सानोइक एसिड। समझ में आ गया एवरीवन, इसका मतलब है कि वैसा फंक्शनल ग्रुप जो मोनोवेलेंट है विद कार्बन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ अटैच, तो नंबरिंग तो वही डिसाइड करेगा, बट फर्स्ट केस था कि एज पॉसिबल एज इंक्लूड ऑल अदर फंक्शनल ग्रुप इन सेम पेरेंट चेन, बट सम टाइम्स इट इज़ नॉट पॉसिबल, तो उस टाइम पे किसको इंक्लूड करेंगे या किसको दूसरे जगह रखेंगे, तो जिसका प्रायोरिटी ज़्यादा रहेगा उसको मेन चेन से के कार्बन से अटैच करेंगे और दूसरे को इग्नोर करेंगे, तो पेरेंट चेन के लिए इधर जाते हैं या इधर जाते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास ऑर्गेनिक में पॉलीफंक्शनल कंपाउंड का पूरा कवर कर लूँगा, तो आपका मेरे तरफ से नॉमेनक्लेचर का 2 ही क्लास बचा हुआ है, ओनली 2 क्लास, ठीक है।
और उसके बाद आप लोग का काम स्टार्ट होगा असाइनमेंट। आप लोग असाइनमेंट सब कलेक्ट कर लिए हैं रेडॉक्स का? सिर्फ कलेक्ट किए हैं, बनाना स्टार्ट कर दिए? बनता है?